आज मैं लेके आई हूँ पाव भाजी पराठा रेसिपी, जिसे बनाना बहुत इजी है और ये पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस पराठे को आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में या फिर लंच में कभी भी बना के खा सकते हैं। और जब आप इसे एक बार घर पे बनाएंगे तो आप इसे अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते पाव भाजी मसाला पराठा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम भाजी बना के तैयार करेंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें हम एक चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच हम बटर डालेंगे। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया, हम इसमें लगभग हाफ कप के करीब बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट मैंने प्याज को भूना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ गाजर लगभग हाफ कप, और इसके साथ ही हम हाफ कप के करीब शिमला मिर्च ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो पसंद नहीं है वो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम शिमला मिर्च गाजर को प्याज के साथ ही लगभग 2 मिनट भून लेंगे। 2 से 2.5 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे जो है गाजर थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट हम इसे कवर करके बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स लगभग 3 मिनट हो गए, कवर हटा लेते हैं। और मैंने इसे बीच में भी चलाया था और यहाँ पे देखिए टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। हम इस स्पैचुला की मदद से इस तरह से हल्का से इसे मसल लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसालों को। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटी चम्मच ही हम यहाँ पर डाल देंगे पाव भाजी मसाला। मसालों को हम इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी लो रखा है, इसमें हमें और कोई भी मसाला नहीं चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू, उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने हाथ से ही तोड़ के इसमें डाल दिया है। और अब हम आलू को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को आप यहाँ पे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे मैसर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि आलू और सब्जियाँ बिल्कुल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो अच्छे से इस तरह से हम मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू और सब्जियाँ आपस में अच्छे से मैश हो गए हैं और ये मसाला जो है स्मूथ हो गया है। तो इसी तरह का हमें यहाँ पे ड्राई मसाला चाहिए पराठे में स्टफ़ करने के लिए। अगर आपको इसे पाव के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे गीला कर लें। इसमें लास्ट में हम हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना अच्छा ये स्पाइसी मसाला हमारा बन के तैयार हुआ है आलू का। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इस मसालों को हम ठंडा होने देंगे। और तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं पराठा के लिए। पराठा बनाने के लिए गेहूं का आटा मैंने लगभग 1 कप के करीब लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम रोटी या पराठा के लिए डो बनाते हैं। आटा हमारा यहाँ पे अच्छे से गूंथ चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा के आटे को मसल मसल के बिल्कुल चिकना और बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। आटा हमारे यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो चुका है। और अब हम इसमें से 2 पराठा बनाएंगे। तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसका हम इस तरह का पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। 1 लोई लेंगे और इसे हम सूखे आटे या फिर मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे और बेलन की मदद से हम इसे बेल के तैयार करेंगे। इसे हमें बड़ा रोटी जैसा बेलना है, रोटी से बड़ा हमें इसे बेल के तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 रोटी के साइज़ से मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बेला है। अब हमने जो मसाला बना के रखा है पाव भाजी का, उसे हम इस तरह से एक साइड में रखेंगे रोटी के, और एक साइड में ही हम इसे फैला लेंगे। मतलब एक आधा साइड में हम मसाले को अच्छे से फैला लेंगे। और यहाँ पे हम इसके ऊपर डालेंगे लहसुन का चटनी। ये ड्राई लहसुन का चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की है और ये बहुत ही चटपटा चटनी बनके तैयार होता है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से, मैंने चटनी डाल दिया लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा
पनीर, इस तरह से मैंने क्रम्बल कर लिया है पनीर को। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसे डालने से पराठा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम इसके एक साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले से ही तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। इसके ऊपर हम पराठा डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे सिकने देंगे और ऊपर से हम एक फॉक की मदद से इस पर प्रिक कर लेंगे इस तरह से, ताकि जब ये सिके तो ये फूले ना और इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगेगा। इसे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट सिकने के देने के बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी हम फॉक की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेंगे। दोनों साइड से पराठा जो है थोड़ा थोड़ा सिक गया है। अब हम इसके ऊपर आधी छोटी चम्मच के करीब घी डालेंगे और दोनों साइड से हम घी लगा लगा के पराठे को बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे, जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। तब तक हम इसे लो टू मीडियम पे सेकेंगे, इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेकेंगे। आप इसके ऊपर ऑयल या फिर बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठा बहुत ही अच्छे से सिक रहा है। ये पराठा आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को ये पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो ये पराठा तैयार हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो एक और पराठा है उसे भी हम सेक लेंगे। इस पर मैंने पहले से ही प्रिक कर लिया है, इसे भी हम सेम तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे दूसरा पराठा भी बहुत ही अच्छे से सिक चुका है और बहुत ही अच्छा इस पर कलर भी आ गया है, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों पाव भाजी पराठा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ बीच से इसके अंदर की स्टफिंग। इस पराठे को आप रायता, दही या फिर किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप उन्हें केचप के साथ लंच बॉक्स में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये पाव भाजी पराठा की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।